बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं आज मूली का पराठा सिखा रही हूँ आप लोगों को। बनाते तो सभी होंगे लेकिन अपना अपना अंदाज़ है। ये मूली मैंने एक बड़ी मूली लेके कद्दूकश करके इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया मैंने हाथों की मदद से। अगर आप ऐसे ना कर सके तो कोई छन्नी से कर लें या फिर मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें डाल के सारा पानी अंदर से ड्रेन कर दें। खुशक बिल्कुल मूली होनी चाहिए। और दो तीन टहनियाँ थी धनिए की, जिसके मैंने पत्ते तोड़ के ऊपर डाले हुए हैं। आगे भलाई है, इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं, उसके बाद क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने दूध से भलाई उतारी हुई है, जो हम घर में रोज़ाना दूध लेते हैं उससे उतरी हुई ताज़ी भलाई है। और ये ऑयल है, मैं कुकिंग ऑयल से बनाऊँगी, वेजिटेबल ऑयल है हमारा, क्योंकि मैं घी नहीं लगाना चाहती, ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती, 100 इशू होते हैं बीमारी के। तो नमक है। आगे आटे के मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं, ये तीन पराठे मैं बनाऊंगी, 6 पेड़े हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कैसे बनने हैं। ये नमक है, 1 चम्मच नमक ली है, 1 चम्मच ही मैंने मिर्चें ली हैं, नमक 1 चम्मच है, मिर्चें पाउडर है ये 1 चम्मच है, और ये 1 चम्मच ही खुशक धनिया है। अजवैन अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैंने यहाँ नहीं रखी हुई, मैं थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि उससे रोटी जितनी भी भारी हो हजम हो जाती है, वो ऑप्शन है, अगर डालना चाहे तो डालें। अब मैं आपको हल करके दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें। ये एक बॉल में मैं सारी चीज़ें डालूंगी। ये देखिए, मैंने पहले मूली डाल दी है, ये मैंने डाल दिया है नमक, इसके बाद ये मैंने मिर्च डाल दी है, ये खुशक धनिया डाला है मैंने, और ये इसके अंदर भलाई डालने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर मैं पराठा बनाना आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने बेल ली हैं 2 रोटियाँ, 1 रोटी नीचे रखूँगी, ये हाथ की मदद से लगेगा क्योंकि बिल्कुल पानी इससे ड्रेन है। अगर हम चम्मच से लगाएंगे तो इसकी जो ऊपर लेयर बनेगी वो बहुत मोटी है, मसाले की लग जाएगी और ये फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं हाथों की मदद से ये लगा रही हूँ। बिल्कुल पतला पतला लगाना है। मैंने मसाला बनाए इतने 3 पराठों का, क्योंकि मुझे चाहिए ही 3 पराठे, तो इसलिए मैंने 3 पराठों का मसाला बनाया है। इतनी ज़्यादा अफराद होंगे इतने ज़्यादा मसाला आप बना सकते हैं, यही फिर चीज़ें आप ज़्यादा करते जाना साथ साथ। ऊपर वाली जो रोटी है इसे हम बड़ा बेलेंगे, थोड़ी सी हाथ से बड़ी कर लेंगे, इसके बाद बेलना बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना इस पर, क्योंकि अगर बेलना हम इस्तेमाल कर देंगे, बेलन से ये होता है कि सारा मसाला अंदर से निकल जाता है। ये थोड़ा थोड़ा आटा मैं लगा लूँगी और रोटी को मैं यूँ पलट लूँगी। मैंने पहले भी सिखाई हुई है रोटी बनानी कि इसे फिर ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये मसाला जो है फिर खुद ही आगे चल के आ जाता है, साथ ही इसकी मदद से हाथों की मदद से इसे कर लेते हैं ताकि रोटी से मसाला बाहर ना निकले, वो फिर खूबसूरती नहीं रहती रोटी की। ये देखें, आप इसे यूँ यूँ करके हमने इस तरह इसे बड़ा करना है। ये देखिए, तवा मेरा गर्म हो चुका है, इसे हाथों की मदद से बड़ा करके हम डालेंगे ऊपर। जितनी मर्जी आप बारीक कर लें रोटी पतली, ये देखिए। हाँ जी, ये देखे, तीनों पराठे मेरे हो गए तैयार, ये मैंने कर लिए हैं तीनों, ये देख लें 3 पराठे हैं सिर्फ। और ये मैंने दही रखी है साथ, जिसका दिल हुआ हम 3 अफराद खाने वाले हैं, दही से खा लेगा। ये मैंने चटनी रेसिपी दे दी हुई है, वो चटनी है मैंने साथ रखी है, मुझे तो चटनी पसंद है, मैं चटनी से खाऊंगी। ठीक है, फिर मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।